guest, we have Yamraj's exclusive interview. जी हाँ बिल्कुल यहीं पर जय हिंद पर ही इज हियर एंड ही इज वन इम्पेशन मैन आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं निकालते? यू लुक वेरी इल. अरे मैंने बोला था यार मेरे यमदूतों को, लेकिन निगमों ने अभी तक निकाली नहीं. आराम 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 संतन. इकोनॉमी डाउन होने के बाद से मैंने यमदूतों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखना शुरू कर दिया है. अच्छा. सब लाइफ लॉन्ग जॉब गारंटी तो मैं दे नहीं सकता, और ये पर डे वाले नए नए यमदूत बहुत निकम्मे हैं. मैंने कभी का बोला था कि जाओ और कलमाड़ी की जान लेकर के आओ, पर साले अभी तक लेके नहीं आए. आराम से ओ हो इंटरेस्टिंग. लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं वो कलमाड़ी की जान लेकर? Why are they so inefficient? हाँ क्या हुआ? मैंने इनसे कहा था कि कलमाड़ी की जान लेकर के आओ, पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस साले यमदूत साले कॉन्ट्रैक्टर की तरह सीमेंट लेकर के आ गए. बोलो सीमेंट लेकर आ गए. लेकिन एक मिनट, इट मेक्स सेंस यमराज जी, तभी वो ब्रिज सीमेंट की कमी के कारण गेम से पहले ही गिर गया. वैसे वो सीमेंट क्यों लेकर आए यमराज जी? मेरा दिमाग खराब हो गया सुमित. सालों ने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, आपने कहा तो जान लेकर के आओ, कॉन्ट्रेक्टर ने हमसे कहा इस सीमेंट में जान है, ये जान लेके जाओ. ओ, आपको ना आपके जो वर्कर्स है ना उन्हें चेंज कर देना चाहिए, है ना? यार कहा ना सुमित, यार आई कांट अफोर्ड इट. और ये यमदूत डेडिकेटेड है. अच्छा है, वेरी गुड. बस थोड़ा सा दिमाग कम है पर मेरा काम चल जाता है. वो कैसे? सुमित मेरा बहुत सारा काम तो पाकिस्तानियों की वजह से हो जाता है. अच्छा. वो साले अपने देश में तो लोगों को मारते ही हैं, फिर इंडिया में लोगों को मारते हैं, अफगानिस्तान में लोगों को मारते हैं, और तो और सात समंदर पार साले दूसरे देशों में घुस घुस के लोगों को मारते हैं. उनकी वजह से मैं हर महीने कभी स्वर्ग में तो कभी पृथ्वी में वैकेशन मनाता रहता हूँ. पाकिस्तानी सर मेड माई लाइफ सो सिंपल, आई लव देम. जस्ट थिंक, हाँ जी, मैंने मेरा काम फ्री में आउटसोर्स कर दिया है. वाह. एक पूरा देश बिना सैलरी के यमदूतों का सारा काम कर रहा है. वाह वाह. आई लव देम. यस. वाह वाह वाह. चलो चलो, कोई तो है जो सच्चे दिल से पाकिस्तानियों को चाहता है. वाह वाह. अरे मुझे पाकिस्तानी इतने पसंद हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने हेडक्वार्टर्स शिफ्ट कर लूँ. कहाँ? इस्लामाबाद में. इस्लामाबाद में? आर यू क्रेजी मैन? क्या मेरे यमदूतों की तरह तुम भी बदतमीजी वाली बात कर रहे हो? इतने पाकिस्तानी जोक्स मारने के बाद भी तुम्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान की कैपिटल लंदन है या इस्लामाबाद? व्हाट सिटी आर अ हिंदू गॉड. और वैसे भी इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर्स क्यों लगाऊंगा मैं? क्या मुझे अपनी जानकारी नहीं है? यस यस यस, सॉरी सॉरी, ऐसा चुतिया टिक सवाल पूछने के लिए मुझे माफ कीजिए. वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस्लामाबाद वाकई में नरक से भी बदतर जगह है. लेकिन आज एक बात का हमें पता चल गया है कि आपको भी अपनी जान प्यारी है. किसी को बताना नहीं. क्या ना मेरी रिपोर्टेशन का सवाल है. ओके सुमित, अब हमें जाना पड़ेगा. ओ, क्योंकि हमारे चूतिए यमदूतों ने किसी भले इंसान का रॉन्ग नंबर लगा दिया है. अब मुझे शॉर्ट आउट करने के लिए जाना पड़ेगा. साले को उसकी जिंदगी 30 साल अभी और बाकी थी. बाय बाय आयुष्मान भाव. इस भले इंसान की बची खुची जिंदगी तुमको लग जाए. अरे क्या क्या चूतियागिरी कर रहे हो यमराज? कहा जाते जाते क्यों मेरी वाट लगा के जा रहे हो यार? अब एक्स्ट्रा 30 साल तक ये फ्री फंड का शो करना पड़ेगा. ठीक है, आप जाइए, मैं भी अपना बेस शिफ्ट करता हूँ इस्लामाबाद. जय हिंद. वो परफ्यूम मारिए मुंह में. We'll be right back.
like is always fleeting. Can you ever tell the distance from just another chance meeting? Fate knocks on my